Make sure to like and share. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मसाला बिरयानी राइस बना रही हूँ, क्योंकि मैंने ये जल्दी से बनाने हैं, किसी को खाना भेजना है और इमरजेंसी। मैंने अब गोश्त निकाल के तो ये मसाला मैं मसाला बिरयानी बना रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पाइसी भी हो और सालन की ज़रूरत साथ ना रहे। ये मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, प्याज डाला, एक अदद मैंने बड़ी प्याज ली है वो डाल दी, क्योंकि मुझे खाना बनाने की चावल बनाने की जल्दी है। ये चिकन को हम फ्राई कर रहे हैं हल्का सा, ये देखिए ब्राउन प्याज हुआ है और मैंने चिकन डाला। मैंने 3 ग्लास जो है ना, 1 किलो से बढ़ के ज़्यादा है चिकन, और 3 ग्लास मैंने चावल बनाए, उनको मैंने चावलों को भिगो दिया। और इसमें अब मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, ये देखो मैंने अदरक लहसुन का ये पेस्ट डाला। और थोड़ी सी अदरक मैं काट के डालूंगी बड़ी सी, ये चिकन हो गया तकरीबन थोड़ा सा फ्राई। और अब मैं इसमें डालूंगी ये देखिए, ये मैं टमाटर, हरी मिर्च और अदरक इस तरह कटा हुआ, 2 टमाटर मैंने लिए हैं। ये इस तरह, और ये मैंने सारा गरम मसाला लिया है, जिसमें दालचीनी है, बादियान खटाई है, बड़ी इलायची है, जायफल जावित्री है, और ये पत्ते हैं। इसको तेज पत्ता कहते हैं, जो राइस में भी डालते हैं। ये भी मैं साथ ही डाल दूंगी और अब इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे, फिर भूनेंगे। फिर जैसा कि जितनी है जिसको मैं इसका प्याज करेंगे तो इसका सारा पाउडर बनेगा और इससे बड़ी अच्छी खुशबू आती है। और ये मैंने इसमें नमक डाला, देखिए ये मैंने बताया था जैसे कि मैं जल्दी में बना रही हूँ राइस,
तो ये मैंने रेडीमेड मसाला लिया और ये मैं इसमें डाल देंगे बिरयानी मसाला। जब आप सालन अगर चाहते हैं कि ना थोड़ी सी स्पाइसी करना चाहते हैं और इसके साथ सालन ना हो कोई, तो आप इस तरह बना सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया था 3 गिलास मैंने चावल लिए हैं, तो ये मैं इसमें अब पानी डाल दूंगी। जी, और अगर आपको लगता है कि नमक आपने टेस्ट कर लेना है, तो नमक कम है तो आपने मजीद नमक इसमें थोड़ा सा डाल देना। ये मुझे थोड़ा नमक कम लग रहा है तो मैंने ये मजीद नमक और डाला और अब इसको 5 मिनट के बाद जब तक बॉयल आता है तो फिर आप चावल डालें। एक 5-7 मिनट बाद मैंने निकाल लिया इसका ढक्कन और ये देखिए, और ये मैं इसमें राइस डाल चिकन बिल्कुल गल गया, बिल्कुल गला मतलब ये नहीं है, इतना बाकी ये इसमें पकेंगे चावल। ये हमने हल्का सा चम्मच हिलाया और ये अब डम के ये देखिए चावल हमने डाले और उसके बाद इसका पानी खुशक हुआ थोड़ा सा अभी है और ये थोड़ा सा है और इसको अब हम दम पे रखेंगे चावलों को 10 मिनट के लिए तकरीबन आप दम पे रखेंगे और इसके ऊपर मैं डालूंगी रुमाल ताकि जो ढक्कन पानी है वो अंदर ना जाए। इस तरह मैंने ये रखा और अब मैं इसको मैंने दम पे रख दिया। ये राइस बिल्कुल रेडी है, ये तो हमने दम से उठाए कैसे ये चिकन राइस हमने बनाई बाजारी बिरयानी मसाला के साथ। आप इसको मेरी डिश को ट्राई करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह फिर एक नई डिश के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।